नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केलकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं एक मनोविकार तज्ञ, मनोरोग तज्ञ हूँ और मैं पिछले 2 साल से साइकियाट्रिस्ट केलकर हॉस्पिटल रामदास पेट अकोला प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो मैं टॉपिक जिसके बारे में आपको समझाने वाला वो है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, मतलब मनो शारीरिक आजार। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमने भी देखे होंगे, हमारे घर पे भी है, जो जिनको हमेशा कोई ना कोई शारीरिक बीमारी आती रहती है, जैसे सर दर्द होना, गर्दन दर्द होना, पीठ दर्द होना, पैर में दर्द होना, गैस होना, संडा साफ न होना, बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा होना, घुटनों में दर्द होना, हर चीज की छोटी छोटी चीज की टेंशन होना, ऐसा ब्लड प्रेशर होना, ऐसे या थकवा लगना, ऐसा लगना कि मैं बहुत थक गया, ऐसे छोटी छोटी चीजें हमेशा किसी न किसी को अपने घर में होती रहती है। तो शुरुआत में ऐसा लगता था कि इसका कोई साइकेट्रिस्ट से, कोई मन से या दिमाग से कोई कुछ संबंध नहीं है, ऐसा लगता था शुरुआत में। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे साइंटिस्ट ने इस पर चर्चा की तो ये ध्यान में आया कि ये हर बीमारियों का जो कनेक्शन है वो मानसिक टेंशन से या मन से या दिमाग से उसका कनेक्शन है। जब हम ये पेशेंट से बात करते हैं, जब हम पेशेंट से चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान में आता है कि इन्हें कुछ न कुछ दिमाग पे टेंशन है या ताण है या टेंशन का से वो गुजर रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि 90% ऑफ द टाइम्स ये पेशेंट हमारे यहाँ आते ही नहीं। यदि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं या एमडी मेडिसिन के या फिजिशियन के पास जाते हैं और वो वहीं से गुमराह हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये ध्यान में लाना है कि ये बीमारियां साइकियाट्री से संबंधित है। जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं हम सबसे पहले उनसे चर्चा करते हैं, उनकी काउंसिलिंग करते हैं, हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनके भीतर, उनके मेंदू के भीतर, दिमाग के भीतर ऐसी कौन सा टेंशन है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे वो छुपा रहे। ये जो बीमारी है स्पेशली लेडीज में, मिडिल एजेड लेडीज में ये बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लेडीज पे ध्यान देना, पूरे परिवार का ध्यान देना कम हो जाता है, इसलिए फिर उनको उनका टेंशन बढ़ते जाता है, लोग उनको इग्नोर करने लगते हैं, उनके हाथ में पैसे नहीं रहते, तो इस वजह से टेंशन बढ़ने के कारण वो किसी को बात नहीं कर सकते, किसी से बात कर नहीं सकते और उसके कारण उनके बॉडी पे वो जो टेंशन है वो दिखने लगता है। किसी का सर दर्द करता है, किसी गर्दन दर्द करती है, किसी को गैस बनती है, किसी को नींद नहीं आती, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो जब हम ये पेशेंट को देखते हैं, बात करते हैं, तब इनका सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसिलिंग का। काउंसिलिंग एक या दो सेशन की बात नहीं है, काउंसिलिंग कम से कम 5 या 10 सेशन जब हम करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बात करने से ही हमारी 50% बीमारी कम हो गई, इसलिए ये पेशेंट से काउंसिलिंग करना और ये पेशेंट को काउंसिलिंग एक्सपर्ट जैसे हम हैं हमारे पास लेके आना बहुत ही इंपॉर्टेंट। साथ में जब हम ये पेशेंट को एंटी डिप्रेशन देते हैं, एंटी सोमैटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जब हम इनको SSRIs, PCNR की दवाई देते हैं तो ये पेशेंट को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके रिलेटिव्स को काउंसिलिंग करना, क्योंकि इनके रिलेटिव्स जब इनको अच्छा माहौल तैयार करते हैं तो पेशेंट ऑटोमेटिकली सुधारने लगता है। इसलिए ये वीडियो के बारे में ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी को सोमैटिक सिम्टम्स है, जैसे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और सब इन्वेस्टिगेशन किया, सीटी स्कैन किया है, MRI स्कैन किया है, वो सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी दर्द नहीं रहा, तो इसका मतलब है कोई ना कोई टेंशन दिमाग में छुपा है। इतना बोल के ही मैं मेरा वीडियो खत्म करता हूँ। मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ धीरे धीरे। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर शेयर करें, इसको लाइक करें, ये वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट होगा। मैं ये वीडियो फेसबुक पे भी डालने वाला हूँ, व्हाट्सएप पे भी डालने वाला हूँ, तो वहां भी ये वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।